हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पर जानकारी के लिए मेरी हॉबी आपके सामने लेके आया हूँ। ये है जीप की मेरिडियन, देख सकते हो आप लोग। ये देख सकते हो आप लोग जीप मेरिडियन की बैक लुक, भाई बहुत अच्छी स्पेस और बहुत अच्छा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। प्राइस रेंज की बात करेंगे इसके तो ये हमें 27 लाख से शुरुआत होकर 36-37 लाख तक अलग अलग वेरिएंट चला जाता है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं और ये फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से आपको पैनारोमिक सनरूफ खोलने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बहुत बड़ी ह्यूज सनरूफ देखने को मिल जाती है। और भाई 37 लाख के अंदर इसमें हमें मतलब ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल मिल जाता है। और अभी हम बैक सीट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। तो 7 लोग बहुत आसानी से बहुत कंफर्ट तरीके से बैठ जाते हैं और बहुत अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके लेंथ की तो भाई एकदम फुल्ली कंफर्ट लेंथ है। डीजल और पेट्रोल दोनों वेरियंट में आती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में अवेलेबल है। और 167 BHP की पावर जनरेट कर देती है, इसमें 2000 CC का इंजन देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके माइलेज की तो पीछे हमें डिफॉगर लाइन वगैरह और ये पीछे बाइफर वगैरह और ऊपर हमें सार्क फिन एंटीना। माइलेज की बात कर रहे थे हम तो लगभग 16 से 17 तक का माइलेज आसानी से निकाल देती है। हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप सिटी में चलाते हो तो आपको लगभग 12 से 10 11 12 का ही निकाल पाएगी ये। और पीछे वाली टेल लाइट देखते हो और काफ़ी अच्छी स्पेस, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको क्या लगता है ये वाली जीप की मेरिडियन फोर्ड की एंडेवर को और MG की ग्लॉस्टर को टोयोटा की फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी या नहीं इतने कम रेंज में, जबकि वो वाली गाड़ी हमें 40 लाख से लेके 50 लाख तक अलग अलग वेरिएंट चला जाता है इनका, और ये हमें 27 लाख से लेके 34 लाख तक 35 लाख तक मिलती है। तो ये वाली गाड़ी आपको क्या लगता है इन सब गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और ये देखते हो मेरिडियन में भी हमें ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल है, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बस इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक भाई ने मांगी थी कि भाई आप बताओ कि ये वाली गाड़ी उनको टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से लगता है थोड़ा थोड़ा टक्कर दे देगी, बाकी भाई फॉर्च्यूनर की तो बात ही अलग है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों की जो आती हैं 40 से 45 लाख की रेंज में, उनमें हमें ज़्यादातर सनरूफ भी नहीं मिलती है, किसी किसी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें हमें सनरूफ भी अवेलेबल है, सारे के सारे फीचर भी अवेलेबल हैं, तो सब कुछ देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से लगता है कि टक्कर दे पाएगी थोड़ी बहुत, बाकी देखते हैं कंपेयर करके क्या रहेगा आगे। और आपको गाड़ी कैसी लगी, ये इसका नया लुक था, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे ही मैं वीडियो डालूं वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। तो ये आपका भाई, आप इसको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, IMBobby222, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल ओवर ये कुछ फोटोज़ हैं गाड़ी की, आप लोग चेक कर सकते हो।